प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस गृहित कौशिक में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। आज मैं आपको तेज पत्ते की सहायता से किए जाने वाला एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने वाला हूँ। यदि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, ये उपाय करने से आपकी मनोकामना तत्काल पूरी हो जाएगी। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और अपने घर में ही रह के करना है, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी मनोकामना विवाह को लेकर हो सकती है, आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है लेकिन कोई भी अच्छा रिश्ता आपके लिए नहीं आ पा रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप माता पिता हैं और अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, आपकी मनोकामना है कि आपके बच्चों की शादी जल्द से जल्द बन जाए, तो भी आप अपने बच्चों के लिए ये प्रयोग कर सकती हैं। नौकरी को लेकर के आपकी मनोकामना हो सकती है, आप नौकरी के योग्य हैं लेकिन आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां का जो माहौल है वो आपके अनुकूल नहीं है, तो नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, उसमें भी आपको अच्छा खासा लाभ नहीं मिल रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उस बीमारी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या कोई भी अन्य आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं और अपने घर में ही रहकर ये उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान त्रिका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, यदि वीडियो को स्किप आप करोगे तो बहुत सारी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें छूट जाएंगी, और यदि वो बातें छूट गई तो फिर ये उपाय करने का जो रिजल्ट होता है वो 100% आपको नहीं मिल पाएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और शाम के समय ये उपाय आपने करना है। कितने बजे? आप 5 बजे कर सकते हैं, 6 बजे कर सकते हैं, 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस समय के लगभग शाम के समय ये उपाय आपने करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक तेज पत्ता होना चाहिए। तेज पत्ता आप समझते हैं, मैंने स्क्रीन पर तेज पत्ते का फोटो दिखाया है, ये होता है तेज पत्ता। तो इस प्रकार का साफ सुथरा तेज पत्ता आपके पास होना चाहिए और एक लाल रंग का मार्कर आपके पास होना चाहिए, लाल रंग का पेन आपके पास होना चाहिए, और इस लाल रंग के पेन की सहायता से इस तेज पत्ते पर आपने अपनी विश लिखनी है, अपनी इच्छा लिखनी है, अपनी मनोकामना लिखनी है। अब आपकी जो मनोकामना है वो मान लीजिए विवाह को लेकर है, आपके बच्चे हैं उनका विवाह नहीं हो रहा है और आपकी इच्छा है कि जल्द से जल्द मेरे बच्चों की शादी हो जाए, तो तेज पत्ते पर आपने लिखना है विवाह। यदि आप बच्चे हैं खुद कर रहे हैं तो भी आपने क्या लिखना है? विवाह लिखना है। यदि नौकरी के लिए आपकी मनोकामना है तो लिखना है नौकरी, और यदि धन के लिए आपकी मनोकामना है तो लिखना है धन, और यदि व्यापार के लिए आपकी मनोकामना है तो लिखना है व्यापार, और यदि बीमारी के लिए आप कर रहे हैं तो लिखना है बीमारी। तो आपने अपनी मनोकामना इस तेज पत्ते के ऊपर लिख देनी है। जो भी बातें मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी कोई भी आपकी मनोकामना है वो आप इस तेज पत्ते पर लिख सकते हैं।
तेज पत्ते पर अपनी विष लिखने के बाद इस तेज पत्ते को अपने हाथों के बीच में इस प्रकार से लेना है, दोनों हाथों के बीच में रखना है और इस प्रकार से लेकर के पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके अपने घर में ही बैठ जाना है। और आपके जो भी कुल देवता हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, पितरादि देवता हैं, उनका ध्यान करना है और अपनी मनोकामना का चिंतन अपने मन ही मन में आपने करना है। जो भी मनोकामना आपने तेज पत्ते पर लिखी है उस मनोकामना का चिंतन आप बार बार अपने मन में कीजिए। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान देकर सुन लीजिए। देखिए, कई बार जो मनोकामनाएं होती हैं वो एक से अधिक होती हैं, विवाह को लेकर भी हो सकती है, नौकरी को लेकर भी हो सकती है, धन को लेकर भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने उपाय करते समय केवल एक ही मनोकामना का चिंतन करना है। पत्ते पर आपने एक ही मनोकामना लिखनी है। ऐसा नहीं है आपने शादी भी लिख दी, नौकरी भी लिख दी, व्यापार भी लिख दिया, धन भी लिख दिया। नहीं, एक बार जो उपाय आप करोगे तो उसमें एक ही मनोकामना आपने लिखनी है और एक ही मनोकामना का चिंतन आपने अपने मन में करना है। यदि आपकी मनोकामना एक से अधिक है तो अगली मनोकामना के लिए अगले दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। एक बार में एक ही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी और एक ही मनोकामना का आपने चिंतन करना है। तो दोनों हाथों के बीच में लेकर के अपने देवताओं का ध्यान करके, अपने कुल देव इष्ट देव का ध्यान करते हुए बार बार अपने मन में अपनी मनोकामना को दोहराइए और प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे कुलदेव, मेरे इष्ट देव, मेरे पितरादिगण, मेरी ये मनोकामना है, काफी समय से मैं परेशान हूं, ये पूरी नहीं हो रही है, आप मुझ पर कृपा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद ये पत्ता आपने किसी भी थाली के अंदर रख लेना है या फिर किसी भी प्लेट के अंदर रख लेना है और उसके बाद एक मोमबत्ती आपने जलानी है। मोमबत्ती की सहायता से इस तेज पत्ते को आपने जलाना है। जब आप तेज पत्ते को जला रहे हैं तो तेज पत्ते की जो राख बनेगी वो राख जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, वो राख उस प्लेट या थाली में ही गिरनी चाहिए। इस प्रकार से आप पत्ते को जलाइए, पूरी की पूरी राख जो है वो प्लेट या थाली में ही इकट्ठी हो जाए। इस प्रकार से मोमबत्ती की सहायता से इस पत्ते को आपने जला देना है। अब ये पत्ता राख में बदल जाएगा, अब ये राख बन जाएगी। अब इस राख को लेकर के आपने खुले वातावरण में चले जाना है। आप अपने घर की छत पर जा सकते हैं, अपने घर की बालकोनी में जा सकते हैं, या फिर आप गली में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। कहने का अभिप्राय इतना सा है कि खुले वातावरण में आपने चले जाना है और ये जो राख बन गई है इस राख को आपने हवा में उड़ा देना है। कैसे उड़ाना है? जैसे आपके पास प्लेट है, प्लेट के अंदर वो राख इकट्ठी है, तो उस प्लेट को ऐसे रखना है और फूंक मारनी है, ऐसे ऐसे फूंक मार दीजिए और वो जो राख है वो हवा में उड़ जाएगी। अब वो कहीं भी गिरे उसकी चिंता नहीं है, बस आपने फूंक मार दी, वो हवा में मिल गई। आपकी जो भी विष है, जो भी मनोकामना है, वो हवा में मिल गई और वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। तो आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आप परेशान हो गए हैं, तो ये उपाय, ये प्रयोग आपने जरूर अजमा कर देखना है। मेरा विश्वास है कि ये उपाय करने से आपकी जो मनोकामना है जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चली हुई है, यदि आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं और मुझसे ही उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और आपके जीवन में चल रही समस्या का ज्योतिषीय समाधान मुझसे पा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।